हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और भाई, जिस चीज़ का काफ़ी दिनों से आपको तो पता नहीं पर मुझे इंतज़ार था कि फाइनली हमारे चैनल पे ZX SENAR आ गई है, और वो भी कोई ऐसी वैसी ZX SENAR नहीं आई है। ये है आपकी इंडिया की मोस्ट लोडेड ZX SENAR और स्पेशल एडिशन ऐसी ZX SENAR जिस पेंट स्कीम में आई है, जिस कलर स्कीम में आई है ये आपकी, स्पेशली जो आपकी ये वाइट ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये इंडिया में सिर्फ 8 से 9 पीस सोल्ड हुए थे और यूपी में सिर्फ और सिर्फ एक पीस है जो कि मेरे फ्रेंड के पास है। तो भाई आप देख लो क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। पहले तो आप इसकी कलर स्कीम देख लो भाई, कितनी ज़्यादा सेक्सी दिख रही है। बिल्कुल भी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपनी ZX SENAR को रैप कराते हैं, बट इस ZX SENAR को रैप कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ले चलते हैं इसकी बाकी सारी चीज़ों की तरफ। तो भाई देख लो, यहाँ पर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो आपके शोवा के प्रॉपर जो है सस्पेंशन लगे हुए हैं। यहाँ पे आज का जो फ्रंट का जो डिस्क है, इसका कैबोन का, इसको जो डिस्क कूल करने के लिए जो मशीन होती है वो लगी हुई है। ब्रैम्बो के यहाँ पे डिस्क कैलिपर है, साथ ही यहाँ पे इसकी जो डिस्क की जो ब्रेकिंग की जो लाइन है, केबल है, वो भी आपकी आफ्टर मार्केट है। ये आपकी हेल की लगी हुई है जिससे इसकी ब्रेकिंग पावर और ज़्यादा जो होती है वो बूस्ट हो जाती है। साथ ही यहाँ पे ये प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, कार्बन फाइबर की आपकी ये फ्रंट का मडगार्ड लगा हुआ है, विंगलेट्स जो होती हैं ये आपकी कार्बन फाइबर की लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे इसको जो चैसी कवर है ये पूरा कार्बन फाइबर का लगा हुआ है। तो भाई ये सर रैप नहीं है, ये आपका ओरिजिनल कार्बन फाइबर लगा हुआ है। तो मतलब एटलीस्ट 3-5 लाख रुपीज़ की एक्सेसरीज इसमें लगी हुई हैं। पीछे यहाँ पर एक्स का आपका जो ये एग्जॉस्ट है ये लगा हुआ है, साथ ही पीछे के भी आपका हल्का लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाली है इस बाइक को चलाने में। तो बाकी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, और ये देखिए बाइक के ओनर भी आ गए आपके, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इसको भगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ऑल इन का आपका इसका जो स्टीयरिंग डैम्पर होता है वो भी लगा हुआ है, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। और आवाज़ भाई साहब कत्ल आवाज़ है। भगाने जा रहे हैं अब।
चीज मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक मैंने जितनी भी बाइक चलाई है वो आपके 650cc की ही चलाई है या फिर Z900 चलाई है। बट अगर भाई आप लोगों को ये लगता है ना कि भाई Z900 और 900cc की है और ये ZX NR है सिर्फ और सिर्फ 100cc ज्यादा है, तो भाई बिल्कुल गलत है भाई। 250 तो ऐसे जाती है मक्खन, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप कोई छोटी बाइक चलाते हो, मान लो जैसे ड्यूक 200 हो गई, आरसी 200 हो गई, तो वो सब जितनी स्मूथली 80, 90, 100 कवर करती है उतनी ज़्यादा स्मूथली आपकी 250 जाती है भाई। मतलब 250 चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाइक ने आपकी 250 हिट कर दी। बाइक पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है स्पीड का। तभी कहते हैं ना ZX NR भाई इतनी रिस्की बाइक क्यों है, भाई आपको पता ही नहीं चलेगा आप 250 पे जा रहे हो। मैंने बाइक खींचनी शुरू किया, देखा मैंने 256 पहुंच गई, और अभी तो मैं भाई एक्सप्रेसवे के मतलब इसी साइड में हूँ। यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे रहता है, लेकिन भाई मज़ा आ गई। बाकी किसी दिन इसकी 299 भी अचीव की जाएगी, बट आज नहीं क्योंकि अभी हम टोल टैक्स क्रॉस नहीं करने वाले हैं, और टोल टैक्स से पहले भाई इतनी जगह नहीं है कि भाई 299 कर लें स्पेशली, या फिर और ज़्यादा मॉर्निंग में आना पड़ेगा क्योंकि इस समय कार्स काफ़ी बढ़ गई हैं यहाँ पे। बाकी एक बार एग्जॉस्ट और सुन लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे कान के अंदर कोई सुई डाल रहा है। तो भाई ये थी आपकी ZX 10R, और आप लोग मुझे बताइएगा बाइक कैसी लगी। भाई बाइक इंथुजियास्ट के दिल में स्पेशल जगह रखती है ये बाइक, और मेरे दिल में भी। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। बाकी ऐसे ही ऑसम ब्लॉग्स अगर आपको और चाहिए चैनल पे, तो भाई जल्दी से जाइए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया हैंडल मेरा है डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड ऑन राइड सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।